वो फर्स्ट शिफ्ट का था, आज उसी दिन का मतलब सीजीएल 2018 का जून 19 वाला पेपर का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर हम डिस्कस कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना की जाए, सीधे सीधे काम पर। आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा एंटोनियो का। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, और वर्ड है टेंडर। तो टेंडर का मतलब क्या होता है? नाजुक, कोमल, नरम, छूने में जो जरा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगे, तो चिकना, स्मूथ, टेंडर। तो टेंडर का एंटोनियम के लिए दो तीन वर्ड देखिए। पहला ऑप्शन है सॉफ्ट, तो साइनोनियम हो गया, एंटोनियम पूछा गया है क्वेश्चन में, और ऑप्शन क्या जा रहा है? साइनोनियम। सॉफ्ट क्या होगा? साइनोनियम। वार्म क्या होगा? गर्म, गुनगुना। और जेंटल का मतलब क्या होता है? सौम्य, सज्जन। तो जेंटल तो पर्सनालिटी की विशेषता होगी, वार्म किसी वस्तु की ऑब्जेक्ट की विशेषता होगी या फीलिंग्स की विशेषता होती है। जैसे वार्म फीलिंग्स मतलब किसी के लिए अपनापन की फीलिंग होगी, वार्म वाटर गुनगुना पानी जिसे आप लोग नहाते हैं। सॉफ्ट क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई वस्तु जिसे तकिया है, सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट पिलो कहते हैं। चौथा ऑप्शन है रफ। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा, जो छूने में चिकना ना लगे, सॉफ्ट स्मूथ ना लगे, वो रफ होता है, खुरदरा, छूने में खुरदरा लगे। तो टेंडर के सॉफ्ट, वार्म और जेंटल तीनों साइनोनियम से हैं, एग्जैक्ट नहीं लेकिन सिमिलर है लगभग लगभग। टेंडर का जो चौथा ऑप्शन है रफ, ये एग्जैक्ट अपोजिट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा, रफ। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, नहीं, इडियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। तो पिछले वीडियो को डिस्कस कराते समय, वो कैप बताते समय मैंने एक बात कही थी कि जो वर्ड्स लिखा रहा हूं उसे आप लोग लिख लीजिए, और ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस तरह के बहुत से वर्ड्स दोबारा आ सकते हैं, और वो मेरी बात कही हुई आपके सामने आ गई है, आप देख लीजिए। पहले पिछले वीडियो में भी ट्रॉन्ट ये वर्ड आया था, और मैंने कहा था ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा स्टूडेंट जो घर से कॉलेज जाता है लेकिन कॉलेज नहीं पहुंचता, कहीं और घूमने चला जाता है, मूवी देखने चला जाता है, जो क्लास से बंक मारता है उसे कहते हैं ट्रॉन्ट। दूसरा ऑप्शन है वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब मैंने कहा था आवारा, बेघर, जिसके घर बार नहीं होता, माँ बाप का पता नहीं होता, सड़कों के किनारे लेटता है, अपना जीवन बिताता है, मांग मांग के कुछ खाता पीता है, तो उसे कहते हैं वैग्रेंट। और तीसरा ऑप्शन है इटिनरेंट। पिछले बार भी ये वर्ड था, मैंने कहा था इटिनरेंट का मतलब होता है जो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर घूमता रहता है, जाता रहता है, लेकिन वो नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में जाता है। चौथा ऑप्शन है माइग्रेंट। ये भी पिछली बार वाले वीडियो में था। माइग्रेंट का मतलब होता है जो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह बसने के लिए चला जाता है। और ये तो चारों वर्ड के मतलब हो गए। और जो क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में दिया है ऐसा व्यक्ति जो सेटल्ड होम के बिना होता है, मतलब जिसका कोई सेटल्ड होम नहीं होता, कोई स्थायी निश्चित निवास नहीं होता, या जिसका कोई रेगुलर वर्क नहीं होता, परमानेंट जॉब नहीं होती, और जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस भटकता रहता है, और लिव्स बाय बेगिंग, मांग मांग कर, भीख मांग करके अपनी जीविका चलाता है, तो उसे इन चारों में से सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? ट्रांट, वैग्रेंट, इटिनरेंट और माइग्रेंट में, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा वैग्रेंट। दो क्वेश्चन हो गए, चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपके स्क्रीन पर चार के चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है एक्सेम्प्लीफाई, दूसरा ऑप्शन है एग्जेम्प्ट। आप थोड़ा गौर करके देखिए तो एग्जेम्प्लीफाई जो पहला ऑप्शन है एग्जेम्प्लीफाई, वो बी वाले ऑप्शन एग्जेम्प्ट का ही वर्ब फॉर्म है। एग्जेम्प्ट क्या होता है? एग्जेम्प्ट का मतलब छूट, किसी चीज में रियायत, और एग्जेम्प्लीफाई ये वर्ब हो गया किसी चीज में किसी को छूट देना, रियायत देना।
तो एग्जेम्प्लीफाई, एग्जेम्प्ट की स्पेलिंग क्या लिखी है, EXEMPT, एग्जेम्प्ट की स्पेलिंग लिखी है EXEMPT। इसी एग्जेम्प्ट को जब हम एग्जेम्प्लीफाई बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, ये टी हटेगा और टी की जगह होगा एग्जेम्प्ली और एफ एग्जेम्प्लीफाई। तो एग्जेम्प्लीफाई में यहां ई होना चाहिए और आपका जो ऑप्शन है पहला वाला वहां लिखा है एग्जेम्प्लीफाई, EXAM लिखा हुआ है। तो एग्जेम्प्लीफाई चूंकि एग्जेम्प्ट से बना है तो एग्जेम्प्ट वाला ही रूट वर्ड एग्जेम्प्लीफाई में जाना चाहिए। नीचे है एग्जाम्पल, सही ऑप्शन स्पेलिंग है। चौथा ऑप्शन है एक्सहेल, दो तरह की ब्रीथिंग प्रक्रिया होती है, इनहेल एक्सहेल। जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर ऐसे खींचते हैं तो इनहेल, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं एक्सहेल। इन और एक्स दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा, इन का मतलब अंदर की ओर लेना और एक्स का मतलब बाहर की ओर लेना। अब इसमें हम लगा दें हेल, तो हेल होता है सांस लेना, इनहेल अंदर की ओर सांस लेना और एक्सहेल सांस को बाहर की ओर निकालना। स्पेलिंग एक्सहेल की भी सही है, एग्जाम्पल की भी सही है, एग्जेम्प्ट की भी सही है। पहला ऑप्शन एग्जेम्प्लीफाई की स्पेलिंग गलत है, EXA ना होकर के EXE होना चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, और आपके सामने वर्ड दिया हुआ है गैरोलस। तो गैरोलस, गैरोलस का साइनोनियम, तो साइनोनियम जानने के लिए हमें गिवन वर्ड की मीनिंग जानना जरूरी होता है। तो गैरोलस वर्ड की मीनिंग क्या है, गैरोलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो बहुत ज्यादा बोलने वाले के लिए दो तीन वर्ड हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। गैरोलस, और एक वर्ड है लोकेशियस, लोकेशियस, और एक वर्ड होता है टाकेटिव। ये हैं बहुत ज्यादा बोलने वाले। इनके अपोजिट होते हैं टैसिटर्न, रिटिसेंट, और कभी कभी इंट्रोवर्ट को भी इनके अपोजिट के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर टेसिटर्न या रेटिसेंट ना दिया हो। इन केस इनके अपोजिट में टेसिटर्न रेटिसेंट ना दिया हो और दूसरा कोई सपोर्ट सुटेबल एंटोनियम ना हो तो इंट्रोवर्ट को इनका एंटोनियम माना जा सकता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट भी होता है जो बहुत कम बोलता है, अपने मन की फीलिंग्स को हर किसी के सामने नहीं एक्सप्रेस करता है। तो गैरोलस के लिए आइए हम लोग साइनोनियम तलाश करते हैं। पहला वर्ड है गटरल, तो गटरल गले से संबंधित वर्ड है, रिलेटेड टू थ्रोट, गटरल। दूसरा वर्ड है थ्रोटी, थ्रोटी का मतलब होता है मोटी आवाज, भर्राई आवाज। तीसरा वर्ड है कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, कोई बड़ी सी चीज को छोटे से फॉर्म में लिख दिया जाता है तो वो कंसाइज पे होता है। और टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, बहुत ज्यादा बकबक करने वाला। तो गैरोलस का एग्जैक्ट साइनोनियम होगा आपका चौथा, टॉकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ABCD के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको बोर्ड पर लिखना पड़ेगा तभी समझा पाएंगे आप लोग। हाँ तो बच्चों उम्मीद है आपने इसको पढ़ लिया होगा, एक बार चलिए हमारे साथ पढ़ लेते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, तो दैट सॉर्ट मैंने कहा था कि दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन मतलब उस प्रकार का पोल्यूशन। जब यहाँ पे लिखा है दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन तो इसका मतलब इसके पहले पोल्यूशन का जिक्र आना चाहिए। दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन मतलब इस तरह का पोल्यूशन विच इज आल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ स्टेट। अब लिखा है यहाँ पे अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
जब अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहा है, इसका मतलब इसके पहले कोई साउथ ईस्ट एशिया के किसी कंट्री की बात की गई होगी, क्योंकि जब किसी स्टेटमेंट में अदर लगा होता है तो अदर बाद में आता है, अदर के पहले ही कोई और स्टेट कोई और कंट्री आनी चाहिए। दो क्लू मिले हैं, दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन किसी तरह के पोल्यूशन को फॉलो कर रहा है, और अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ये भी किसी कंट्री को फॉलो कर रहे हैं। आगे आपको पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा। रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ, रेगुलरली वाइल्ड लाइफ की किलिंग कर रहे हैं, जैसे कि व्हेल्स हैं और टर्टल्स हैं, मतलब कछुए, दैट इंजेस्ट द वेस्ट, जो इस वेस्ट को खा लेते हैं, इंजेस्ट मतलब जो इस वेस्ट मटेरियल को खा लेते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को, वो मर जाते हैं। बी में लिखा है एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड, एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने ये लिखा है कि फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशियन पॉल्यूशन, ये आई बात ओशियन पॉल्यूटर की। पर्यावरणविदों ने ये कहा है कि फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पॉल्यूटर कंट्रीज में से एक है, ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, रिलायंस में तो होता है डिपेंडेंस, क्योंकि फिलीपींस सिंगल यूज प्लास्टिक पर डिपेंड है। तो ये जो फिलीपींस को दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पॉल्यूटर कहा है, तो ये पॉल्यूशन हमको यहाँ दिख रहा है और एक पॉल्यूशन यहाँ दिख रहा है, और हमें ये भी निश्चित रूप से पता है कि दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन किस तरह के पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यही जो फिलीपींस में ओशियन पॉल्यूशन हो रहा है, एक खास तरह का है ना, खास तरह का ओशियन पॉल्यूशन, और यहाँ क्या कह रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन, तो ओशियन पॉल्यूटर, और ये दैट सॉर्ट किसके लिए लगा, इसी ओशियन पॉल्यूशन के लिए लगा हुआ है। तो एक बात तो तय हो गई कि ये मैंडेटरी पेयर है बी और ए, बी और ए मैंडेटरी पेयर है। बी ब्लैक पेन से लिखे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा, मुझे पता है रेड से कम दिखाई देता है। बी के बाद ए लगेगा, ये बात लगभग तय हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी और डी को। डी में लिखा इन थाईलैंड आल्सो, इन थाईलैंड, थाईलैंड के साथ क्या लगा हुआ है, आल्सो, मतलब थाईलैंड में भी, तो थाईलैंड में भी का मतलब हुआ कि फिलीपींस में कोई घटना घटी है उसके बाद थाईलैंड में यह घटना घटी है, तो थाईलैंड वाली घटना किसी घटना को फॉलो करेगी, क्योंकि थाईलैंड के साथ आल्सो लिखा है, दैट कैन नॉट लीड द सेंटेंस या इंसिडेंट। अ व्हेल डाइड लास्ट ईयर, पिछले साल थाईलैंड में भी एक व्हेल मछली मरी थी आफ्टर स्वालोइंग मोर देन 80 प्लास्टिक बैग्स, 80 से ज्यादा प्लास्टिक बैग खा लिए थे उस मछली ने, इस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। डी में लिखा है इन द लेटेस्ट केस अ व्हेल, यहाँ क्या लिखा, अ व्हेल, इस आ पर आप ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि व्हेल के पहले आ लगा है, और कहीं अगर हमें द व्हेल मिल जाता है या व्हेल्स के साथ कोई और मिल जाता है तो वह सेंटेंस फॉलो कर देगा। अ व्हेल विद 80 किलो ऑफ प्लास्टिक ट्रैश इन इट्स स्टमक डाइड ऑन सैटरडे, साउथ फिलीपींस में एक व्हेल मछली 80 किलो प्लास्टिक वेस्ट खा करके मर गई। ठीक है, ये एक घटना है फिलीपींस की, ये घटना है थाईलैंड की, तो मैंने कहा था थाईलैंड की घटना फिलीपींस वाली घटना को फॉलो करेगी, क्योंकि थाईलैंड में आल्सो लगा हुआ है। तो दूसरा जो हमारा मैग्नेटिक पेयर बन रहा है वो है डी के बाद सी का, डी के बाद सी का, तो एक तो बिना बी ए का और दूसरा बिना हमारा मैंडेटरी पेयर डी के बाद सी का। अब ये देखना है कि बी ए वाला ग्रुप पहले लगेगा या डी सी वाला ग्रुप पहले लगेगा, तो डी सी वाले ग्रुप में लिखा इन द लेटेस्ट केस, तो इन द लेटेस्ट केस, जब केस का मतलब आप इस लेटेस्ट केस में क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम्पल, तो लेटेस्ट केस से आप एग्जाम्पल देने की बात कर रहे हैं, और एग्जाम्पल कब दिया जाता है, जब थ्योरी दिख दी जाती है उसके बाद। तो बी ए वाला ग्रुप क्या होगा,
ये एक आइडिया होगी, थ्योरी होगी, और इस आइडिया या थ्योरी को फॉलो करने के लिए, इसके लिए साबित करने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि बी ए पहले होगा और डी सी बाद में होगा, बी के बाद ए लगेगा तय बात है, डी के बाद सी लगेगा, ये हमने पहले ही डिसाइड कर दिया था। अब ये पहले होता ग्रुप्स में, ये पहले होता कि ये पहले होता, अब ये डिसाइड हो गया कि बी ए डी सी के पहले ही होगा। तो फाइनल अरेंजमेंट जो बना वो है बी ए डी और सी। आपका इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बी, बी में लिखा है बी ए डी सी। छठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आइए छठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम है, उसकी मीनिंग आपको बतानी है, और इडियम दिया हुआ है गेट आउट ऑफ हैंड। तो गेट आउट ऑफ हैंड मतलब, गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाना, हैंड का मतलब हाथ से। तो कभी कभी ऐसे बोलचाल में लोग यूज करते हैं ना कि हाथ से निकल गया, कभी कभी लोग कहते हैं अरे सर आपका लड़का हाथ से निकल गया। तो जब ये किसी को कोई कहता है कि आपका लड़का हाथ से निकल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लड़का हाथ से निकल गया, या बात आपके हाथ से निकल गई, या कंट्रोल आपके हाथ से निकल गया। मतलब लड़का आपके हाथ से निकल जाने का मतलब क्या हुआ, लड़के पर आपका कंट्रोल नहीं रहा, अब लड़का आपकी बात नहीं मानता। चलिए इसी रेफरेंस में हम मीनिंग देखते हैं। पहला ऑप्शन है गिव अप समथिंग। गिव अप समथिंग का मतलब क्या हुआ, कोई कार्य करना छोड़ देना, जैसे आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना छोड़ दिए तो गिव अप टेलिंग अ लाई, तो छोड़ देने की बात नहीं है, गिव अप। और दूसरा ऑप्शन है गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो अभी मैंने कहा था हाथ से निकल जाने का मतलब क्या हुआ, हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाना, दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा है टू कंप्लीट अ टास्क, टास्क पूरा करने का सेंस नहीं आ रहा, और गेट अपसेट का मतलब नाराज हो जाना या अपसेट हो जाना, ये भी नहीं ऑप्शन आ रहा। छठवें का ऑप्शन होगा दो, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। चलिए सातवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम की बात आई, और एंटोनियम में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है एस्केलेट। तो एस्केलेट आप लोगों ने मॉल वगैरह में देखा होगा, ऐसे सीढ़ी लगी होती है और इस सीढ़ी इस पर ऐसे एस्केलेटर बना होता है ऐसे, तो इस पर आप खड़े हो जाइए, यहाँ आप खड़े हो जाएंगे तो ये आपको लेके ऊपर की ओर, यहाँ आप खड़े हो तो आपको चलना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो एस्केलेटर आपको क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाता है। तो एस्केलेट का मतलब क्या हुआ, एस्केलेट का मतलब ऊपर की ओर उठना, बढ़ना, इंक्रीज करना। तो एस्केलेट का एंटोनियम पूछा है इन्होंने। पहला ऑप्शन है रिड्यूस। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, कोई चीज कम हो जाना, साइज में, अमाउंट में कम हो जाना। एस्केलेट का मतलब ऊपर की ओर जाना, और रिड्यूस का मतलब कम हो जाना या घट जाना। चलिए दूसरा ऑप्शन है एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब बड़ा कर देना। तीसरा ऑप्शन है रेज। रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब ऊपर की ओर उठा देना। और एक ऑप्शन है चौथा हाइटन। तो हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई। हाइटन का मतलब क्या होता है, ऊंचाई बढ़ा देना। तो सबका तो मतलब बढ़ना ही बढ़ना लिखा हुआ है। एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब हुआ इतना बड़ा है, उसको इतना बड़ा कर दिया, एनलार्ज कर दिया, बड़ा हो गया। रेज का मतलब क्या होगा, कोई चीज यहां तक है, इसको उठा के यहां तक कर दिए तो ये भी ऊपर उठ गई, ऊंचे हो गई। हाइट का मतलब क्या होगा, कोई चीज यहां पर है, इसकी ऊंचाई और बढ़ा दी गई तो हाइट बढ़ा दी गई। तो एनलार्ज में, रेज में और हाइटन में, सब में तो बढ़ाया ही जा रहा है, और एस्केलेट करने का मतलब भी बढ़ना ही था। तो हम घटना या कम करने का ऑप्शन लेंगे, और पहला ऑप्शन है रिड्यूस, जो घटने और कम करने के लिए है। तो आपके एस्केलेट का एग्जैक्ट एंटोनियम होगा ए वाला, पहला वाला रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर आठ की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ में है एक्टिव और पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपका स्टेटमेंट है डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। डोंट पार्क योर कार,
जिसे डोंट स्टॉप हियर, डोंट ओपन द गेट, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये एडवाइस या ऑर्डर टाइप का सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती थी? तो इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम लोग कितने ढंग से बना सकते हैं? इंपरेटिव, इंपरेटिव में क्या होगा? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस एक तो ऐसे बनती है, लेट लगाया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट लगेगा इफ नेसेसरी, अगर डोंट लगा होगा तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। दूसरा पैटर्न होता है, इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और लेट को चेंज करके शुड में बदल देते हैं, उसके बाद नॉट का यूज किया जाता है इफ नेसेसरी, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में डोंट लगा हो तो। और तीसरा ऑप्शन है जब हम इसको बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड से, इसके साथ भी नॉट अगर जरूरत होगी तो लगाएंगे, फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस ये तीन ढंग से बनती है। देखते हैं हमें इसमें से कौन सा ढंग अपने क्वेश्चन के ऑप्शन में मिलता है। क्वेश्चन है डोंट पार्क योर कार, डोंट पार्क योर कार, मतलब डोंट लगा है, नॉट लगा हुआ है। इसकी पैसिव वॉइस लेट से बननी चाहिए थी, तो लेट से जो पहला पैटर्न है, ऐसा कोई ऑप्शन आप नीचे देखिए ऑप्शन में, पहले दूसरे तीसरे चौथे में किसी में भी लेट से स्टार्टिंग नहीं हुई है। तो अब हमें क्या ढूंढना चाहिए? अब हमें ढूंढना चाहिए क्या शुड फॉलो किया गया है कि नहीं, नॉट लगेगा क्योंकि डोंट से सेंटेंस शुरू हुआ है आपका, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है। पहले ऑप्शन में लगा है कुड नॉट बी, दूसरे ऑप्शन में है शुड नॉट बी, तीसरे ऑप्शन में है शुड नॉट बी और चौथे ऑप्शन में है नीड नॉट बी। तो पहला और चौथा तो किसी कीमत पर ऑप्शन नहीं हो सकता। आइए अब दूसरे और तीसरे की बात करते हैं। तो दूसरे में है योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड और तीसरा है माय हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड। तो हाउस पार्क किया जाता है कि कार पार्क की जाती है? तो कार पार्क की जाती है, हाउस नहीं पार्क किया जाता है। तीसरा सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत होगा, इसलिए आपका ऑप्शन होगा टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। एक सेंटेंस है, इसमें खाली जगह है, आपको फिलर का क्वेश्चन भरना है। क्वेश्चन यह है कि साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डैश हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट लगातार इस काम को कर रहे हैं। फिर आगे लिखा है कि हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी, कि पौधे हमें सस्टेनेबल एनर्जी कैसे दे सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लगातार इसके साइंटिस्ट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लगातार ये कार्य कर रहे हैं। आर लिखा है तो आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। देखें क्या इससे कोई हेल्प मिलती है। स्क्रूटिनाइजिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, लुकिंग, इंस्पेक्टिंग, तो वर्ब की फॉर्म से तो हमें कोई हेल्प नहीं मिली, चार के चारों ऑप्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में है। अब आपको अपना सेंस लगाना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड सूटेबल है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस मीनिंग में। तो किसी लेबोरेटरी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस बात पर काम चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हैं तो लेबोरेटरी में काम करेंगे। देखते हैं लेबोरेटरी में क्या काम किया जाता है। स्क्रूटिनाइजिंग, स्क्रूटिनाइजिंग क्या होता है? बहुत बारीकी से जांच करना। ये तब होता है जब ऑडिट वगैरह आती है, किसी लिखे हुए कंटेंट या कोई हिसाब किताब होता है उसकी जांच करनी होती है, तो स्क्रूटिनाइज किया जाता है। देखते हैं कहीं जोड़ने घटाने में कोई गलती ना हो गई हो। और दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेट वैसे तो किसी घोटाला वगैरह या किसी केस वगैरह का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी होता है जांच करना।
तो लेकिन ये सम वर्ड साइंटिफिकली भी यूज किया जाता है जब किसी नेचुरल फेनामेना को देख रहे होते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग किसी नेचुरल फेनामेना को वॉच कर रहे होते हैं काफी दिनों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, तो उस पर्पज में भी इन्वेस्टिगेट वर्ड यूज किया जा सकता है। तीसरा है लुकिंग, तो लुकिंग मतलब केवल देखना हो जाएगा, उसमें कोई पर्पज नहीं आता। और चौथा कुछ ऑप्शन है इंस्पेक्टिंग, तो इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण करना, तो इंस्पेक्शन तो कहीं पर जैसे स्कूल वगैरह में बड़े अधिकारी आते हैं तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही कैसी नहीं। लेबोरेटरी में इंस्पेक्शन नहीं होगा, लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेंशन होगा, डिस्कवरी होगी, इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस रेफरेंस में हमारे इस आप क्वेश्चन के लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा टू। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है करेक्ट एक्टिव फॉर्म पूछा है, तो करेक्ट एक्टिव फॉर्म पूछा है, तो इसके लिए इससे संबंधित रूल एक बार देख लेते हैं। आइए पहले रूल को समझ लेते हैं। तो जब किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो, ध्यान दीजिएगा, जब किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो और उसकी पैसिव वॉइस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब तो कॉपी कर लेंगे, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी तो उसके पहले वर्ब कौन सी हो सकती है हेल्पिंग वर्ब, बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होगी, बी का मतलब इज एम आर या वाज वर्ब, यही पांच हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं जिनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी एक्टिव वॉइस में। तो हेल्पिंग वर्ब तो सीधे सीधे कॉपी हो जाएगी, मतलब यहाँ इज होगा तो यहाँ इज होगा, बोज होगा तो एम या आर बन जाएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन चीज चेंज होगी, वो होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को किस में चेंज किया जाएगा, तो वर्ब में चूंकि आईएनजी फॉर्म है और पैसिव वॉइस का नियम है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है तो आईएनजी कहाँ जाएगी, तो जो वर्ब की आईएनजी है ये आईएनजी बी में लगा दी जाती है और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी जाती है। तो जब भी आपको किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिले तो इसका मतलब उसकी पैसिव वॉइस में बी के साथ थर्ड फॉर्म बनानी है, और अगर पहले से ही आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म मिले तो उसकी एक्टिव वॉइस क्या बनानी है। तो हमें जो क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन में है वाज बीइंग गार्डेड, मिला है वाज बीइंग गार्डेड, वाज बीइंग गार्डेड, तो ये पैसिव वॉइस में है, इसकी हमें एक्टिव वॉइस बनानी है। एक्टिव वॉइस बनानी है तो यही देख लेते हैं, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म थी, जब बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म थी और हमने बनाया था वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ बीइंग के साथ ये जो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी है इसके बदले में एक्टिव वॉइस में होना क्या चाहिए, होना चाहिए गार्डिंग, गार्डिंग। अब इसके पहले वाज हो सकता है कि वाज ही लगे, हो सकता है कि इसकी जगह पर वर्ब हो जाए, डिपेंडिंग ऑन इट्स सब्जेक्ट, अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज गार्डिंग होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर गार्डिंग होगा, ये तो हमारा बेसिक चेंज होगा। क्वेश्चन पर नजर डालते हैं तो लिखा है मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वाज बीइंग गार्डेड बाय गन टोटिंग गार्ड्स, बाय के बाद गन टोटिंग गार्ड्स लिखा है जिसका मतलब हम ये बाय के साथ गन टोटिंग गार्ड्स को एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। सेंटेंस की शुरुआत होगी गन टोटिंग गार्ड्स, गन टोटिंग गार्ड्स आपके ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कि मेन गेट ऑफ बिल्डिंग वर गार्डिंग, तो बिल्डिंग की मेन गेट तो गार्डिंग कर नहीं रही थी, पहला ऑप्शन नहीं लगेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा में आप इस वाले पैटर्न को देखिए किसमें दिया हुआ है गन टोटिंग गार्ड्स, उसके बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, दूसरे ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है, तीसरे ऑप्शन में वर्ब गार्डिंग दिया है, चौथे ऑप्शन में है बीइंग गार्डिंग दिया है, तो हमें गार्डिंग चाहिए था, तो बीइंग गार्डेड का गार्डिंग हो गया, और गन टोटिंग गार्ड्स जो कि प्लूरल में है इसके लिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाज नहीं लगेगा, आपका ऑप्शन होना चाहिए 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 वंस मोर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पीके वारियर्स का, तो इसे हमें बोर्ड पर लिखना होगा तभी समझा पाएंगे। ठीक
ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा, कौन सा सेंटेंस पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। एक बार पढ़ते हैं, द एलिफेंट टस्क्स। टस्क क्या होता है, जो हाथी के दो आगे की ओर बड़े बड़े दांत निकले होते हैं उसे कहा जाता है एलिफेंट टस्क। बहुत कीमती होता है, दुनिया भर में इसकी तस्करी होती है अंडरवर्ल्ड में, इंटरनेशनल मार्केट में। द एलिफेंट टस्क, एलिफेंट टस्क का मतलब होता है हाथी दांत। वर ट्रैक्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कांगो फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। कांगो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो कांगो से हाथी दांत, ये हाथियों के दांत बाहर भेजे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, इनकी तस्करी की जा रही थी। बी है कस्टम्स ऑफिशियल्स। कस्टम्स ऑफिशियल्स का मतलब होता है जो सीमा पे बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, कस्टम के अधिकारी। आप लोग भी सिलेक्शन पा जाएंगे तो कुछ लोग कस्टम के ऑफिसर बन जाएंगे। तो कस्टम्स ऑफिशियल्स इन थाईलैंड, मतलब थाईलैंड के कस्टम ऑफिसर्स से उनका कहना है कि इट्स द बिगेस्ट सीजर। सीजर का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज, जब कोई माल पकड़ते हैं, जब्त करते हैं, तो ये बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा सबसे बड़ी सप्लाई थी, सबसे बड़ा सीजर, सबसे बड़ी जब्ती थी जो की गई है हाथी दांत की इन द कंट्रीज हिस्ट्री। मतलब थाईलैंड के इतिहास में इतना ज्यादा हाथी दांत का जखीरा अभी तक कभी पकड़ा नहीं गया था, ये सबसे ज्यादा था। सी में 4 टन्स, 4 टन्स ऑफ आइवरी। आइवरी व्हाट इज आइवरी, आइवरी और एलिफेंट टस्क दोनों एक ही चीजें हैं। यहां आइवरी लिखा है, यहां पर टस्क लिखा है, तो 4 टन हाथी दांत, सोच लीजिए आप, इमेजिन करिए 4 टन हाथी दांत विद मार्केट वैल्यू, जिसके मार्केट वैल्यू है, ये डॉलर का निशान है, 6 मिलियन डॉलर जिसकी मार्केट वैल्यू है। इट इज मिलियन एज एन इंप्रेसिव हॉल, ठीक है, ये होगा इट इज एन इंप्रेसिव हॉल। हॉल का मतलब क्या हो गया, सो हॉल का मतलब यही सीजर जब्ती, तो हॉल की मीनिंग है सीजर। ये बहुत बड़ी जब्ती थी, बहुत बड़ी कामयाबी है थाईलैंड पुलिस की। ऑफिशियल्स से अधिकारियों का कहना है कि दे वर्डी, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि जब दे आ जाएगा तो दे का एंटीसीडेंट नाउन आना जरूरी है, तो आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा, वी विल हैव टू फाइंड आउट फॉर व्हाट दे इज यूज्ड, मतलब व्हिच वन इज द नाउन ऑफ एंटीसीडेंट नाउन ऑफ दे, किसके लिए दे यूज किया गया है। ऑफिशियल्स से दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, किसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, हाथी दांत को, ये टस्क है, ये आइवरी है, इन्हीं को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, बाहर भेजा जा रहा था, तो दे लगा है हाथी दांत के लिए, आइवरी के लिए। देखते हैं, दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू लाओस। लाओस क्या है, ये भी एक देश का नाम है। फ्रॉम वेयर दे बिलीव्ड, वहां से दे बिलीव्ड, दे कौन, ऑफिशियल्स, अधिकारियों का ऐसा मानना था कि वहां से आइवरी को, आइवरी हाथी दांत वुड बी सोल्ड टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को बेचे जाएंगे पूरी एशिया में। तो हम इसमें चलिए आप लोग हमारे साथ क्लू ढूंढिए कि इसके साथ क्या लगना चाहिए, तो आप लोग भी लगाइए अपना अपना दिमाग। सबसे पहला काम क्या हुआ, इसमें बताया जा रहा है कि ये हाथी दांत कांगो से भेजे जा रहे थे। यहां बताया गया है कस्टम ऑफिसर्स ने ये कहा कि ये सबसे बड़ी अवैध माल की जब्ती है। तीसरे में कहा जा रहा है कि 4 टन हाथी दांत जिसकी कीमत 6 मिलियन है, इट इज एन इंप्रेसिव हॉल। तो यहीं से सेंटेंस की स्टार्टिंग है, इसको पहला सेंटेंस माने तो इसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए। 4 टन, 4 टन के आइवरी को
पकड़ा गया, जब्त किया गया, तो जब चार टन आयोडीन को जब्त किया गया पुलिस के द्वारा, तब पुलिस बताएगी कस्टम्स ऑफिसर्स ने जब चार टन हाथी दांत को पकड़ा, तो पकड़ने के बाद ही तो उसके बारे में खुलासा करेंगे कि क्या क्या हुआ था, कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था। तो सबसे पहले माल का पकड़ा जाना जरूरी है, उसके बाद उस माल की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो ये माल पकड़ा गया थाईलैंड में, इसके बाद क्या लगना चाहिए कि कस्टम ऑफिसर्स ने इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये अभी तक का थाईलैंड के इतिहास में इतना ज्यादा माल अभी कभी जब्त नहीं किया गया था। तो जो बिगेस्ट सीजर है, बिगेस्ट सीजर किसके लिए लगा है, 4 टन्स के लिए। जब बिगेस्ट सीजर आप कब कह सकते हैं, द बिगेस्ट सीजर, देखिए यहां द भी लगा हुआ है, पिछले वीडियो में भी कहा था द लगा हुआ है, तो इसका मतलब द बिगेस्ट सीजर का मतलब हुआ ये सबसे ज्यादा वाला है, तो इसके पहले ही सीजर आना चाहिए, तभी तो आप द लगा सकते हैं। तो इसके पहले बताना होगा 4 टन हाथी दांत पकड़ा गया, उसके बाद आप कहेंगे कि ये अभी तक का सबसे बड़ी खेप थी। तो सी के बाद बी आएगा, ये बात तय हुई, हमारा एक मैंडेटरी पेयर मिला सी और बी, मैंडेटरी पेयर है सी के बाद बी लगाना है। इसके बाद बचता है आपका ए और डी। ए और डी में सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो द एलिफेंट टस्क आइवरी पहले आ ही चुका है, वो ट्रैक फ्रॉम डोमेस्टिक, तो ये कहा जाए कि यहां से भेजा जा रहा था, और यहां लिखा है फ्रॉम वेयर, इसको लाओस से इसको वहां दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो जहां से आया है और जहां भेजा जा रहा है, पहले आप क्या सोच रहे हैं, क्या लगाएंगे, जहां भेजा जा रहा है पहले वो लगाना चाहिए कि जहां से आया है वो लगाना चाहिए। हाँ ठीक सोच रहे हैं आप, जहां से आया है, ये माल जहां से आया है वो पहले होगा, कहां से आया है, कांगो से आया है, ये पहले होगा, और जहां भेजा जा रहा है, कहां भेजा जा रहा है, लाओस भेजा जा रहा है। और वैसे भी लिखा है कि देवर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, इन्हें वहां से लाओस भेजा जा रहा था। तो ए का मैंडेटरी पेयर कौन सा होना चाहिए, डी, और ए का मैंडेटरी पेयर हमने लिखा यहां पर डी। अब बात यह आती है कि सी बी पहले होगा कि ए डी पहले होगा, फिर वही बात, जब तक सी में बताया गया कि हाथी दांत पकड़ा गया और कहां से आया था, कहां जा रहा है, ये सारी चीजें तो वो हाथी दांत पकड़े जाने के बाद में ही बताएंगे, तो इसका मतलब कि सी बी के बाद हमें ए डी लगाना होगा, और आपका फाइनल निकल रहा है अरेंजमेंट सी बी ए एंड डी। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन है चौथा सी बी ए डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है सेलेक्ट द साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, साइनोनियम पर्यायवाची पूछा है, गिवन वर्ड क्या है, टिल्ट। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ रखी है उनको तो पता ही होगा टिल्ट क्या होता है। जैसे ये प्लेन है, इसमें एक पिलर है, सीधा खड़ा है, ये सीधा है, अगर इसी सीधे को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा झुका दिया जाए, मतलब ये सीधा है और इसको पकड़ के ऐसे झुका दिया जाता है, तो ये जो झुका हुआ है, इस झुके हुए को क्या कहेंगे, टिल्ट। तो मतलब टिल्ट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा एक तरफ ऐसे क्या हो गया, सीधा, और थोड़ा ऐसे कर देंगे तो क्या हुआ, झुका हुआ, ये हो गया टिल्ट। टिल्ट का साइनोनियम देखते हैं, पहला ऑप्शन है सपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूती देना, और नहीं स्ट्रेंथन नहीं, स्ट्रेटन वर्ड लिखा है हमने, गलत पढ़ दिया, स्ट्रेटन, स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है, सीधा करना। मान लीजिए कोई चीज, कोई रस्सी है, ऐसे ऐसे है, तो इसको यहां पे पकड़ के, यहां पकड़ के खींच दीजिए तो क्या हो जाएगी, ये इसी रस्सी को जब ऐसे पकड़ के सीधा कर देंगे, जितनी मुड़ी है तो इतनी बड़ी हो जाएगी ना, सीधा करना। तो टेढ़ी मेढ़ी चीज को सीधा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटन, STRAIGHT होता है, स्ट्रेट, जब वर्ब बनाएंगे तो EN लगा देंगे, तो स्ट्रेटन का मतलब होता है सीधा करना।
तीसरा ऑप्शन है क्रॉस और चौथा ऑप्शन है स्लैंट। स्लैंट का भी मतलब होता है झुका हुआ, तो टिल्ट का आपको साइनोनियम मिलेगा स्लैंट चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिए, इफ यू ज्वाइन दिस न्यू जॉब, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। इफ वाले कंडीशनल का पिछले वीडियो में भी जो सीजीएल का हमने पहला वाला डिस्कस कराया था उसमें भी इफ के क्वेश्चंस थे। तो इफ वाले क्वेश्चन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो वीडियो जरूरी है, उसमें इस रूल को डिस्कस किया था। हालांकि एक बार फिर हम इस रूल को डिस्कस करा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इस जब एक बार इस वीडियो इस रूल को देख लेते हैं वीडियो में तो अपने दिमाग में रखिए बार बार ये रूल्स नहीं लिखे जा सकते। फिर बच्चों रूल आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार रूल डिस्कस कर देते हैं फिर आप क्वेश्चन पे आइएगा। पिछली बार भी ये रूल डिस्कस किया था, जिन लोगों ने पिछली बार वीडियो नहीं देखा था तो पिछला वीडियो देख लें और उनका रूल फिर क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ के साथ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटेंस शुरुआत और एक इफ से, यानी कि सेंटेंस कंडीशनल हो, तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये जितने भी हैं वो कंडीशंस हैं, ये जितने भी हैं वो क्या है रिजल्ट है कंडीशन का, तो पहले में अगर कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या डज लगा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू लगा होगा, तो इसका जो रिजल्ट सेंटेंस होगा ये कंडीशन होगी। कंडीशन का मतलब हुआ जैसे इफ यू हेल्प मी, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ यू हेल्प मी ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इफ यू हेल्प मी। तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा आई विल पास, अगर आप मेरी मदद करेंगे मैं पास हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल कंडीशन है, अगर आप मेरी मदद करते हैं मैं पास हो जाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ये देखिए फ्यूचर डेफिनेट टेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म में ये है। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट के साथ उनकी सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड होगा, तो इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगा होगा तो उसका रिजल्ट सेंटेंस क्या होगा सब्जेक्ट के साथ वुड लगे या वुड लगे या माइट लगे, वही ऊपर वाले का देखिए पास्ट फॉर्म हो गया, ये फ्यूचर में था तो विल हुआ, अब इसी का पास्ट में ले आना होगा तो वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ध्यान दीजिएगा वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म कब लगी है जब पास्ट इंडेफिनिट इफ के साथ लगा हो। अब तीसरा पैटर्न देखिएगा, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट लगा हो, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ सब्जेक्ट के साथ हेड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो अगर इफ के साथ ये पैटर्न हो पास्ट परफेक्ट का हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिजल्ट वाला सेंटेंस क्या होगा रिजल्ट वाला सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के साथ वुड हैव लगेगा या वुड हैव लगेगा या माइट हैव लगेगी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आप अपना सेंटेंस देखिए स्क्रीन पर किस पैटर्न का है, इसका या इसका या इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दिस। तो लिखा इफ यू ज्वाइन दिस जॉब, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब, ज्वाइन क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये लिखा है ज्वाइन, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैटर्न फॉलो किया गया, तो रिजल्ट सेंटेंस में क्या होना चाहिए था विल कैन या मे के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। अब देखिए रिजल्ट सेंटेंस क्या है, इट प्रूव्स टू बी गुड, इट प्रूव्स टू बी गुड, अब ये आपको इम्प्रूव करना है, तो देख लीजिए इस वाले सेंटेंस में इस वाले पार्ट में बना क्या था इट विल प्रूव, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब तो यहां क्या होना चाहिए था यू विल इम्प्रूव। देखिए यू विल इम्प्रूव कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है इट विल इम्प्रूव, इट विल प्रूव टू बी गुड, इट विल प्रूव टू बी गुड आपका पहला ऑप्शन आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, एरर का सेंटेंस है, तो एरर का सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, एरर का सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, लिखा है सी गॉट टू क्विक प्रमोशंस,
इन ऑर्डर दैट शी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल शी हैज गॉट टू प्रमोशंस। कोई कैंडिडेट है जिसको दो प्रमोशन, जल्दी जल्दी दो प्रमोशन, साल भर में दो प्रमोशन मिल गए, तो किसी को साल भर में दो प्रमोशन मिल गए तो किस आधार पर मिले होंगे? उस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई तो योग्यता होगी, कोई ना कोई तो टैलेंट होगा। तो टैलेंट आगे दिया हुआ है कि सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। और पहला सेंटेंस है उसको साल भर में दो प्रमोशन मिल गए, तो अगर उसको जल्दी जल्दी दो प्रमोशन मिल गए, और आगे लिखा है कारण दिया हुआ है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो ये जो कारण है उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, इसको जोड़ने के लिए हमें जो कंजंक्शन यूज करना था वो कारण बताने वाला कोई कंजंक्शन लगाना चाहिए था। इन ऑर्डर दैट का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर दैट होता है उद्देश्य बताते हैं, ताकि। अब अगर इन ऑर्डर दैट से सेंटेंस की मीनिंग निकालते हैं तो होगा कि उसको दो प्रमोशन मिले ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, तो ये तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बन रहा है। अगर ऐसे बनाते हैं कि उसको लगातार दो प्रमोशन मिल गए क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी, तो क्योंकि लगने पर यह सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इन ऑर्डर दैट गलत है, वहां कंजंक्शन होना चाहिए था बिकॉज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इन ऑर्डर दैट पहला ही ऑप्शन है, वो गलत है, आपका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में पांच जगह खाली है, हमें उन जगहों को भरना है। तो आपके सामने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम लोग भरना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आप हमारे साथ एक बार इस पैसेज को पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा, हम थोड़ा किनारे होकर के पैसेज को पढ़ देते हैं। एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलोंग विद हिज काउंसलर्स आफ्टर देयर टाउन, उसके बाद डैश लगा हुआ है, विद नो मैनुअल वर्कर्स, इट इज रिपोर्टेड इन फैक्ट, फिर एक डैश लगा हुआ है, उसके बाद लिखा है वाज स्वीपिंग द पिज्जा इन फ्रंट ऑफ द डैश, फिर लिखा है खाली जगह है, उसके बाद लिखा हुआ है चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे, फिर एक डैश लगा है, लिखा है द डिप्टी मेयर फादर एंड और टाउन काउंसिलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर होस, होस क्या होता है? एक पाइप होती है प्लास्टिक की, जैसे आपने देखा होगा कि वैक्यूम क्लीनर होता है तो उसमें एक पाइप लगी होती है प्लास्टिक की, वही है होस, चाहे ये लोग पानी छिड़क रहे होंगे या तो फिर वैक्यूम क्लीनर से साफ कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द टाउन जर्वल्यू, अब टाउन जर्वल्यू क्या होता है? इटली में एक जनजाति है, मतलब एक प्रोफेशनल लोग है जो जमादारी का काम करते हैं, तो उन्हीं के लिए लिखा हुआ है कि द टाउन जर्वल्यू, मतलब क्या होगा? जो टाउन के जमादार हैं, जो साफ सफाई करते हैं। लास्ट उसके बाद फिर खाली जगह है, लिखा है रिटायर्ड सिक्स मंथ्स एगो, मतलब जो वहां टाउन में साफ सफाई करता था वो छह महीने पहले रिटायर हो गया। आगे लिखा है एंड नोबडी हैज बीन हायर्ड सिंस देन, तो जो टाउन की सफाई करने वाला जब रिटायर हो गया तो उसके बाद उसकी जगह पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं की गई, कोई हायर नहीं किया गया है। तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर ब्लॉक्ड बाय ब्यूरोक्रेसी द मेयर सेज, तो इटली के मेयर ने कहा कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी के द्वारा मजबूर हैं। तो क्लोज टेस्ट पढ़ने के बाद एक सिचुएशन नजर आ रही है कि इटली का एक शहर है, इटालियन मेयर, इटली का एक शहर है, अब शहर का नाम नहीं दिया है इसमें, तो इटली का एक शहर है, उस शहर में मेयर डिप्टी मेयर को लेकर के, डिप्टी मेयर के फादर को लेकर के सब लोग मिल करके चर्च के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, सड़क साफ कर रहे हैं, किसके लिए? कि वहां मार्केट लगनी है। चलिए भैया, बड़े अच्छे लोग हैं, मेयर खुद झाड़ू लेके, मतलब फोटो खिंचाने के लिए नहीं, वास्तव में झाड़ू लगा रहे होंगे। आइए पहले पिलर के लिए क्या लगाया जाए, सिचुएशन ये कह रही है कि अगर मेयर साहब डिप्टी मेयर के फादर के साथ झाड़ू लगा रहे हैं, और नीचे ये लिखा हुआ है कि जो आखिरी जमादार था उस एरिया का वो छह महीने पहले रिटायर हो गया, तो छह महीने पहले रिटायर हो गया, और नीचे ये भी कंटेक्स्ट आया है
कि किसी और को उसकी जगह पर हायर नहीं किया गया है, तो इसका मतलब कि इटली शहर में कोई जमादार कोई स्वीपर है नहीं। तो पहले वाले में लिखा हो, पहले वाले फिलर के लिए आप देखेंगे कि विद हिज काउंसलर्स आफ्टर देयर टाउन डैश विद नो मैनुअल वर्कर्स, मतलब शहर में कोई मैनुअल वर्कर स्वीपर कोई रह नहीं गया था, तो इसके लिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैज लेफ्ट, हैज के साथ लेफ्ट, तो टाउन हैज लेफ्ट अगर हम लिखते हैं तो टाउन हैज लेफ्ट एक्टिव वॉइस में होगा, तो टाउन तो छोड़ के गया नहीं, पर्सन होंगे जो छोड़ के गए हैं, तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनना चाहिए था, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनता तो हैड बीन लेफ्ट, वास लेफ्ट, इज लेफ्ट या हैज बीन लेफ्ट, ऐसे होना चाहिए। हैज लेफ्ट एक्टिव वॉइस में है वो नहीं होगा, लीव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा एक्टिव वॉइस है ये भी नहीं होगा, वाज लिविंग कंटिन्यूअस टेंस है ये प्रक्रिया जारी नहीं है, छह महीने पहले ही वो छोड़कर चले गए थे, तो क्या लगना चाहिए, वाज लेफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में फिलर 1 के लिए आपका जो सुटेबल ऑप्शन है वो है वाज लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि फिलर नंबर 2, तो फिलर नंबर 2 में लिखा हुआ है इट इज रिपोर्टेड, ये तो हो गया, उसके बाद लिखा इनफैक्ट डैश वाज स्वीपिंग द पिज्जा, डैश वाज स्वीपिंग द पिज्जा, कौन साफ कर रहा था पिज्जा, तो कौन साफ कर रहा था, इसके लिए ऑप्शन दिया है ही सी दे और इट, तो सी तो लगेगा नहीं क्योंकि आप दूसरी लाइन देखिए, लिखा होगा एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट अलोंग विद हिज काउंसलर्स आफ्टर, अलोंग विद हिज काउंसलर्स लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा अलोंग विद हिज काउंसलर्स, मेयर के लिए ऊपर सेंटेंस में हिज लगाया जा चुका, अगर मेयर के लिए ऊपर सेंटेंस में हिज लगाया जा चुका है तो दूसरे फिलर में मेयर के लिए ही लगना चाहिए था, सी तो लग नहीं सकता है। अच्छा दे अगर आप सोच रहे हो कि दे क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मेयर के साथ में डिप्टी मेयर के फादर और तमाम उनके काउंसलर सब लोग झाड़ू लगा रहे हैं, तो दे आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर का पिलर है अगर वहां दे लगा दूं तो उसके बाद में वाज लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहां दे लगा दूं तो वाज नहीं लगेगा, इसलिए गलत हो जाएगा, दे नहीं लग सकता है, सुटेबल तो था लेकिन वर्ब वाज है इसलिए नहीं लगेगा, सी का ऊपर रेफरेंस नहीं दिया गया है, ही का रेफरेंस मिल रहा है मेयर साहब के लिए, हिज काउंसलर्स लिखा हुआ था, इसलिए एक ही ऑप्शन बच रहा, पहला वाला ही लगेगा। नेक्स्ट फिलर नंबर 3, फिलर नंबर 3 में लिखा है स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च, तो इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च, चर्च की विशेषता बतानी है, चर्च नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव लगाना होगा, इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च या नेक्स्ट चर्च या नेबर चर्च या नियर चर्च, तो नियर प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव लगानी है, नियर चर्च तो होगा नहीं, नियर बाई चर्च होता तो ये संभव था, नेबर चर्च, नेबर मतलब नाउन होता है पड़ोसी, नेबर चर्च नहीं होगा, नेबरिंग चर्च होता तो ये ऑप्शन भी हो सकता था, नेक्स्ट चर्च या लोकल चर्च, तो इन दोनों में नेक्स्ट हो जाता है क्रम, नेक्स्ट चर्च का मतलब हुआ इसके पहले एक और चर्च की बात होती, ये वाला चर्च अगला चर्च उसका अगला चर्च, तो नेक्स्ट चर्च नहीं आ पाएगा, आ पाएगा लोकल चर्च, इटली में कोई लोकल चर्च है वहीं पे लोकल के चर्च के सामने मार्केट लगनी थी इसके लिए लोग साफ सफाई कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 की ओर चलते हैं, तो तीसरे नंबर में लगा लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे, सेंटेंस पूरा हो जाता है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है डैश द डिप्टी मेयर्स फादर, मतलब डिप्टी मेयर के फादर के साथ, मेयर साहब झाड़ू लगा रहे हैं डिप्टी मेयर के फादर के साथ साथ, तो के साथ के लिए हम क्या लगाएंगे, एंड लगा सकते हैं, एज वेल एज लगा सकते हैं, एलोंग विद लगा सकते हैं, एलोंग साइड लगा सकते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 फिलर नंबर 4 पे ऑप्शन दिया है आल्सो, एलोंग, एलोंग मैंने कहा एलोंग विद होता तो दोनों को जोड़ने के काम आ जाता, एज वेल तीसरा ऑप्शन, एज वेल नहीं जुड़ेगा,
एज वेल एज होता तो ये जोड़ने का काम आ सकता है। एलॉन्ग साइड, यही आपके लिए सुटेबल ऑप्शन हुआ, एलॉन्ग साइड, एलॉन्ग साइड। अब आप सेंटेंस के साथ मिला के पढ़ के देख लीजिए, तो पहले लिखा हुआ मेयर साहब झाड़ू लगा रहे, तो इसके बाद लिखा हुआ है डैश द डिप्टी मेयर्स फादर, तो मतलब एलॉन्ग साइड द डिप्टी मेयर्स फादर, मतलब डिप्टी मेयर के पिताजी के साथ साथ में दोनों लोग झाड़ू लगा रहे थे। एलॉन्ग और एज वेल, इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां रह गई हैं। एलॉन्ग विद होता तो सही होता, या एज वेल एज होता तो सही होता, आज अपने यहां फिट ही नहीं हो रहा है, सेंस नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 19 मतलब फिलर नंबर 5, फिगर नंबर 5 में लिखा है द टाउन जरफेलू इज लास्ट डैश रिटायर्ड, तो जरफेलू टाउन का लास्ट क्या? अभी ऊपर से बात हो रही है कि मेयर साहब और डिप्टी मेयर के फादर उनके काउंसलर्स झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो स्वीपर थे वो स्वीपर 6 महीने पहले ही रिटायर हो चुका है, उसकी जगह पर दूसरा कोई अपॉइंट नहीं किया गया, हायर नहीं किया गया है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां हमें लगाना चाहिए साफ सफाई वाला कर्मचारी, तो साफ सफाई कर्मचारी के लिए, कर्मचारी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रिटायर से संबंधित हो चुके, 6 महीने पहले रिटायर हो गया था, तो जो 6 महीने पहले रिटायर हो गया था, तो 5वें का ऑप्शन देखिए वर्कर लगेगा कि काउंसलर लगेगा, बात सफाई की है तो काउंसलर तो होगा नहीं, वर्कर अभी तक सबसे सुटेबल ऑप्शन लग रहा है। उसके बाद है मेयर, मेयर साहब तो झाड़ू लगा ही रहे हैं, और अगला क्वेश्चन है मेंबर, तो मेंबर नहीं, मेंबर से ज्यादा सुटेबल है साफ सफाई वाले कर्मचारी, तो इनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पे देखिए लिखा होगा नो इम्प्रूवमेंट, स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, जब ऑप्शन में एक नो इम्प्रूवमेंट दिख जाए समझ लीजिए इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस पढ़ते हैं आई लुक फॉर अ बेटर जॉब, इसी तरह का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पिछली बार भी था, आप ध्यान दीजिएगा, आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट टू मंथ, इस बात पर आप विशेष गौर करिएगा, पिछली बार भी बताया था फॉर और सिंस के साथ अगर टाइम लगा हो तो ये किस टेंस में होता है, फॉर और सिंस के साथ टाइम लगा हो तो ये किस टेंस में यूज होता है, आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाएगा। और आपका सेंटेंस है आई लुक फॉर, जब आगे लिखा है फॉर द लास्ट टू मंथ्स, इसका मतलब आई लुक फॉर की जगह होना चाहिए आई हैव बीन लुकिंग फॉर, तो जब हमें ऑप्शन मिल गया आई हैव बीन लुकिंग फॉर, तो आप आंसर ढूंढिए किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में एक इडियम है, उस इडियम की मीनिंग बतानी है, इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, और ये कॉस्ट का मतलब होता है कीमत होना, जब इसमें एस लगा दोगे तो ये क्या बन गई, वर्ग में एस लगा हुआ, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, मतलब जिसकी कीमत में एक हाथ और एक पैर हो, मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत एक हाथ एक पैर हो, अब बताइए कि एक हाथ और एक पैर जिसकी कीमत चुकानी पड़े तो वो चीज महंगी होगी कि सस्ती होगी, जैसे बताए महंगी होगी, ऑप्शन देखिए बहुत महंगे के लिए रेयरली अवेलेबल नहीं, इजी टू ऑब्टेन ये भी नहीं होगा, नथिंग लूज ये भी नहीं होगा, वेरी एक्सपेंसिव बहुत महंगा, मैंने भी कहा था ना कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत एक हाथ और एक पैर हो, सोचिए वो चीज कितनी महंगी होगी, बहुत महंगी होगी, आपका ऑप्शन डी, ये तो बहुत वेरी एक्सपेंसिव लिखे हैं, मेरी समझ से तो टू एक्सपेंसिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 वन और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, लिया है लिखा है कि अ पर्सन या एनिमल या प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, कोई ऐसा एनिमल कोई ऐसा प्लांट या कोई चीज जो किसी जगह से ओरिजिनली बिलोंग करता है, मतलब जो कहीं से आया ना हो, जो उसी जगह का हो उसी क्षेत्र का हो, तो उसके लिए वन वर्ड क्या होता है, एक वर्ड,
तो मूल एक वर्ड होता है मूल, मूल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं नेटिव, नेटिव। और एक वर्ड यूज किया जाता है एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स का मतलब होता है ओरिजिनल, मूल या नेटिव, ये दोनों होते हैं मूल। देखिए ये ऑप्शन मिल जाता है इनमें से कोई कि नहीं मिल जाता है, आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया नेटिव, अगर नेटिव ना होता तो एबोरिजिन्स होता। रेजिडेंट मतलब निवासी होता है, तो ये मूल निवासियों के लिए जरूरी नहीं, मूल निवासी के लिए लगे कोई भी निवासी हो। ऑक्यूपेंट जिसका कब्जा हो, एलियन का मतलब होता है विदेशी, बाहर से आया हुआ, चाहे किसी दूसरे ग्रह से आए चाहे किसी दूसरे देश से आए, हालांकि आजकल दूसरे ग्रह से आए हुए के लिए ज्यादा यूज किया जाता है एलियन। 22 का ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 1, तो ये क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रामेटिकल एरर पूछी गई है और सेंटेंस आपका है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ड्यू टू द साइक्लोन इडाई, पिछले वाले वीडियो में भी यही इडाई साइक्लोन था, क्लोजेस्ट में पिछले वाले में भी वही फिलीपींस में फंसी वेल थी और इस वाले में भी वही है, मतलब 4 जून को जितने भी पेपर हुए हैं सबका कंटेंट एक ही जैसा है, एरर का कंटेंट वही है, इम्प्रूवमेंट का कंटेंट वही है, नाम बदल जा रहे हैं बस, उसमें भी कंडीशनल था, इसमें भी कंडीशनल है, उसमें भी इडाई पर था, इस वाले में भी इडाई पर ही है, मतलब 4 जून के जो भी पेपर हुए हैं सब में एक ही पैटर्न है, एक ही चीज पूछी जा रही है। ड्यू टू द साइक्लोन इडाई वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड, इडाई तूफान की वजह से बहुत बड़ी एरिया में फ्लडेड मतलब बाढ़ आ गई, रोड्स डिस्ट्रॉयड, रोड्स डिस्ट्रॉयड, सड़कें टूट गई, कम्युनिकेशंस डिसरप्टिंग। अब आप ध्यान दीजिए पैरेललिज्म का नियम है, अब बस सिर्फ इतना आप देखिएगा कि फ्लडेड वास्ट एरिया, रोड्स डिस्ट्रॉयड, और तीसरा है कम्युनिकेशंस डिसरप्टिंग। लैंड के लिए लिखा फ्लडेड वर्ब की थर्ड पार्ट, क्योंकि इन सब के बीच में क्या लिखा है, हैव बीन, हैव बीन यहां भी है, हैव बीन यहां भी है, हैव बीन सॉरी, हैव बीन इनके बीच में भी है और हैव बीन इनके बीच में भी है। वर्स्ट एरिया ऑफ लैंड फ्लडेड, वर्स्ट एरिया ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड, रोड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, तो कम्युनिकेशंस है बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती या वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपका एरर पोर्शन क्या होगा, कम्युनिकेशंस डिसरप्टिंग नहीं, जैसे एरिया फ्लडेड है रोड्स डिस्ट्रॉयड है वैसे ही कम्युनिकेशंस डिसरप्टेड होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आपका ऑप्शन मिल गया होगा, डिसरप्टिंग 2 में है एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग आपका ऑप्शन होना चाहिए 2। क्वेश्चन नंबर 24 में है, एक ब्लैंक है वो खाली जगह भरनी है, दिया हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट आर्गूड दैट इट कुड नॉट डैश द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरीज एज अवार्डेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने टीचर की सैलरी में इंक्रीज की व्यवस्था की थी और स्टेट गवर्नमेंट ने यह तर्क दिया कि हम टीचर की सैलरी में जो इंक्रीज हुई है उसको डैश नहीं कर सकते। तो अगर सैलरी इंक्रीज हो गई है, सरकार कह रही है कि हम ये नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, खर्चा नहीं उठा सकते, तो सैलरी इंक्रीज को क्या नहीं कर पाएगी सरकार, स्टैंड नहीं कर पाएगी कि अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि स्पेयर नहीं कर पाएगी कि गेट नहीं कर पाएगी, आप जानते हैं खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो उसके लिए सुटेबल वर्ड क्या होता है, अफोर्ड। तो आपके क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन होगा 2। और क्वेश्चन नंबर 25 है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड,
आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड ढूंढना है। पहला ऑप्शन है कंपेरेबल, स्पेलिंग करेक्ट है CUMPARABLE। दूसरा है कंपैरिजन, इसकी भी स्पेलिंग सही है। तीसरा है कंपटीशन, तो कंपटीशन में COMP के बाद आई नहीं, COMP के बाद आई नहीं होता है, ई होता है। COMP इसके बाद आई होगा या ई होगा, यही आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन में ई होता है, बाकी सब सही था और कम्युनिकेशन सही है। ठीक, आपके ये हो गए 25 क्वेश्चन और ये पेपर सीजीएल का 4 जून 2019 का था। अगला डिस्कशन अगले वीडियो में हम आपके साथ खड़े होंगे, वो होगा CHSL का। एक CHSL का करा चुके हैं, जल्दी ही उम्मीद है आपको CHSL का